आपको कुछ कंफर्टिंग सा फूड खाना हो और कुछ और बनाने का मन ना हो तो ये रसम राइस ना आप ज़रूर ट्राई करना। झटपट बन जाते हैं, कोई भी झंझट नहीं है, और इसको ना आप सर्व करना पापड़ के साथ या फिर आप दही के साथ भी खा सकते हो। ऊपर से डाल सकते हो आप देसी घी अगर आपको पसंद है, और इशू कोई नहीं है घी खाने में, है ना। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सारी रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ना मेरा कुछ कंफर्टिंग सा फूड खाने का मन था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें मैंने ले लिया एक कटोरी राइस और एक कटोरी ही मैं लूँगी तूर दाल। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितने मेंबर्स के लिए जिस हिसाब से जिस जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो ना, तो आप उतनी दाल चावल का रेशो ले सकते हो, इक्वल अमाउंट में आपको लेना है। उसके बाद आप इसको ना आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में बॉयल बोल रही हूँ, सोक करके रख देना। और उसके बाद इसको अच्छे से धो भी लेना, मतलब पानी से अच्छे से निताड़ लेना, अच्छे से साफ़ कर लेना। इधर मैंने क्या करा है, थोड़ी सी मेरे पास इमली रखी थी तो उसको मैंने गर्म पानी में सोक कर दिया है, और साथ ही मेरे पास थी काश्मीरी लाल मिर्च। तो काश्मीरी लाल मिर्च का मेरे पास पाउडर नहीं था, मेरे पास मतलब होल वाली थी, तो इसलिए मैंने उसको भी गर्म पानी में सोक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अपना कुकर लेंगे और कुकर में हम डाल देंगे अपना देसी घी। तो मेरे को पर्सनली ये देसी घी में बहुत पसंद है रसम राइस, लेकिन आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। अगर आपको किसी नॉर्मल तेल में बनाना हो तो आप बना सकते हैं। उसमें जब आपको डालना क्या क्या है, बस सिंपल 2 से 3 आपको जो साबुत लाल मिर्च होती है वो डाल देनी है। खड़ा मसाला अगर आपके पास है कुछ और तो आप वो डाल सकते हो, मैंने बे लीफ डाली है, इसके अलावा जीरा, और थोड़ा सा मैंने डाला है मस्टर्ड सीड्स, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अगर आपके पास है जो काली मिर्च होती है ना साबुत वाली, अगर वो है तो आप वो डाल सकते हो। इसके अलावा मैंने डाल दी है जो ग्रीन चिली है, उनको स्लिट करके बीच में से डाल दिया है। ग्रीन चिली से स्वाद बहुत यम आता है। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता है ना तो आप उसको डालना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, तो लहसुन जो है मैंने साबुत ही डाला है, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया हींग। तो इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप मसाला या स्पाइसेस वगैरह डालो या फिर जो भी आप मटेरियल डाल रहे हो ना, उसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें मैंने 3 छोटी प्याज हैं तो उनको मैंने बहुत मोटा मोटा काट के डाल दिया है। इसमें स्लिट वाली ज़रूरी नहीं है, आपको बारीक बारीक काट के डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। बट इवेंचुअली क्या होता है ना कि आप कुकर में जैसे ही इसको बनाओगे ना तो ये वैसे ही सारी मैश हो जाएगी, है ना। और उसके बाद ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 छोटे टमाटर, तो उनको भी मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है। और इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी टाइम पर आपको जो भी स्पाइसेस आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें जो डालने वाली हूँ, मैंने इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, तो वो आप डाल देना। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अगर है आपके पास तो आप डाल सकते हो, अगर अदरवाइज आप सिंपली स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और जैसा कि मैंने आपसे बोला मेरे पास काली मिर्च का ब्लैक पेपर पाउडर था तो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने डाला है जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भिगोई थी ना, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था तो वो पेस्ट मैंने डाल दिया। और यहाँ पर जो मेन है वो है रसम पाउडर यानी रसम मसाला, वो थोड़ा सा आप बहुत छोटा सा पाउच आता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना रसम पाउडर तो आप 10 रुपये वाला पाउच लेकर और उसके बाद बना सकते हो, है ना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम रेगुलर में बनाते नहीं, फिर मसाले हमारे ना रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पाउचेस आप ले सकते हो, जैसे सडनली आपका कुछ अचानक से खाने का बनाने का मन कर गया तो उस टाइम पर आप बना लो। इसको हम अच्छे से चला देंगे। मैं इसमें ना धनिया पाउडर डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में डाल दिया धनिया पाउडर, तो वो भी आप डाल देना। और इसको हम अच्छे से चला देंगे, और सारे जो स्पाइसेस हैं ना वो बस अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और जब ये मेरे मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें जो मेरी तूर और उसकी मतलब राइस और दाल जो था वो दोनों जो है, जो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके रख लिया है, तो उसको मैं डाल दूँगी। बट हुआ क्या ना, मेरा कुकर छोटा था और मैंने राइस और जो दाल थी वो ज़्यादा मैंने मिक्स कर दी थी, तो मैंने थोड़ा सा उसमें से बचा लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मतलब आपके पास बड़ा वेसल है तो आप उसमें आप बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि इसमें मुझे पानी भी ऐड करना था, तो अदरवाइज़ ये ओवरफ्लो हो जाता। तो इसके बाद आप इसमें 3 से 4 गुना ना पानी डालना है आपको, ये याद रखना है। तो मैंने तो कुकर को इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर दिया था जितना मुझसे हो सकता था, क्योंकि रसम राइस जो होते हैं ना वो जितने ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी के होंगे ना, जितना पतला पतला होगा ना, मतलब उसका टेक्स्चर, तो वो उतने ही ज़्यादा यम लगते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं, इसमें 3 से 4 विसिल लगा देना आप। तो यहाँ पर ये सारा मतलब अच्छे से तैयार हो चुका है, और ट्रस्ट में अगर ये थोड़ा सा वेसल और बड़ा होता ना तो मैं इसमें और पानी डालती,
क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी वाले अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये इमली का पल्प था, जो जूस है वो मैंने निकाल लिया था, तो वो आपको डालना मस्ट है, मतलब इससे तो मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर से मैंने इसको डाल दिया है, लास्ट में आपको डालना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से चला देना, आप इसको जैसे चाहो वैसे सर्व कर सकते हो। अगर आपके पास हरा धनिया है तो इसको हरे धनिया से गार्निश ज़रूर करना। ऊपर से डालना थोड़ा सा घी, साथ में आप लज्जत पापड़ रख सकते हो, नॉर्मल पापड़ रख सकते हो। मेरे पास तो साबूदाना वाले पापड़ रखे थे, तो मैंने उनको अच्छे से भून के और उसके बाद इनके साथ खाया। अचार के साथ खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो, जैसे मन करे। बट ये जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टिंग फूड है आप सभी के लिए। मतलब कहते हैं ना कि खिचड़ी जो होती है ना, इसको आप वैसे तो रसम राइस, बट एक तरह से अगर हम वैसे देखें जो नॉर्थ इंडियन में बोला जाता है, तो एक तरह से ये खिचड़ी का ही रूप है। और खिचड़ी जो होती है ना, अपने आप में एक सुपर फूड है। वो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देती है और आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर भी रखती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी ना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे साथ बने रहना। मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।